नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लास से बहराइच में। आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर देखेंगे 2020 का। ठीक है, 2020 का पब्लिक फाइनेंस का ये पेपर है। थ्योरेटिकल पेपर है, 100 नंबर का पेपर होता है ये, और इसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 3 सेक्शन में हमारा पार्ट जो है बटा होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी देखेंगे, फिर सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन ए में 50 जो है वर्ड में एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे, 2-2 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, फिर पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस। अब देखिए बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ में आपको बताते चलेंगे। डिस्कस द सिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर क्लैरिफाई पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर व्हाट इज मीन बाय पब्लिक डेब्ट्स, डिस्कस सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेब्ट्स, पब्लिक डेब्ट्स, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाउ इज द बजट प्रेजेंटेड, बजट का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है। डिस्कस द मेन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगला फिर हमारा क्वेश्चन है डिफाइन टैक्स एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कर की परिभाषा और कर के बारे में बताना है आपको। अब इसके बाद देखेंगे सेक्शन बी जब शुरू होगा। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन में आर लगा के क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। 10 नंबर में क्वेश्चन होता है और 200 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ है, और इसको आप फिर से छोड़िएगा भी नहीं, क्योंकि सेक्शन सी में भी कई बार ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस टू स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये हर साल पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी वर्ड अब आपको भी हम बताते हैं, इसके आगे देख लेंगे। तो इसके देखिए आर में जो क्वेश्चन लगा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन नेशनल इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री एक्सप्लेन, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन से क्या आशय है, और इसके आगे ए बी व्हाट इज डिफिसिट फाइनेंसिंग, हाउ इट हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी कॉमन क्वेश्चन है आपका। डिफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से और डिफिसिट फाइनेंसिंग, इनको नोट करते रहिएगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं थ्योरी की, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, भारत में संसद किस प्रकार सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण करती है, और इसके बाद देखिए सो द इफेक्ट ऑफ राइजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्शन इज नियर फ्यूचर इन इंडिया, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यहाँ। फिर तो दोनों में से कोई एक करना रहेगा। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आय वितरण एवं रोजगार स्तर पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, कॉमन क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, डिफाइन अ टैक्स, एक्सप्लेन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। ये दो क्वेश्चन आपके दिए हैं, कोई ये करेंगे या इनमें से कोई एक क्वेश्चन करेंगे। इसके नीचे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स टैक्सेबल कैपेसिटी, कर दिए क्षमता से क्या आशय है, एक्सप्लेन एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन। देखो टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने देखे आ गए। अब इसके बाद सेक्शन सी की शुरुआत करेंगे, इसमें से कुल क्वेश्चन तो 5 होंगे, कुल मिला के 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 500 वर्ड में लिखना है। व्हाट डू यू नो बाय फेडरल फाइनेंस, जी ये भी कॉमन टॉपिक है आपका सेक्शन सी का, ये फेडरल फाइनेंसिंग ये कॉमन टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। संघीय वित्त से आप क्या समझते हैं, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रेंड ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जामिन क्रिटिकली द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, भारत में विभिन्न वित्तीय आयोगों की सिफारिशों की को बताते हुए उनकी आलोचनाएं दीजिए, क्या उनकी कमियां बतानी है आपको, कौन से फाइनेंशियल जो है हमारे कमीशन की क्या कमी थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। अब देखिए डिफिसिट फाइनेंसिंग हमने बताया था, अभी आपसे बता ही दिया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, हम यहाँ पे कॉमन बताते हैं। एक तो पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग आपको हम यहाँ पे बताते हैं, छोड़िएगा नहीं इसको, पब्लिक फाइनेंस की जो है मीनिंग, इसका बेसिक मत छोड़िएगा। बेसिक के बाद जो है यहाँ पे आएगा आपका पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के बारे में,
यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम और पब्लिक डेब्ट्स, ठीक है। और आप में एक इम्पोर्टेंट जो सब इस बार कम पूछा गया है वो है बजट। ध्यान रखिएगा, बजट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर क्वेश्चन में। लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे हर पेपर में। इसका जो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।